जी हाँ, ये दो काम करके आप ऑनलाइन घर पे बैठे हुए बगैर कोई एफर्ट किए, बगैर किसी स्किल के, बगैर किसी आईटी नॉलेज के, बगैर किसी प्रोग्रामिंग स्किल के, घर के अंदर बैठ के, चाहे आपने बैचलर किया है चाहे मास्टर्स किया है, आप 2 से लेके 5 लाख तक आप कमा सकते हैं। 2 लाख से लेके 5 लाख, ये दो साइटों को यूज़ करते हुए आप कमा सकते हैं। ये दो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान स्किल हैं और नॉर्मली मार्केट के अंदर लोगों को इसका आइडिया नहीं, जिसकी वजह से काम तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लेकिन उसको करने वाले लोग अवेलेबल नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है या ये काम जो है ये हमसे नहीं होगा, तो ये काम लोग कर नहीं पाते। लेकिन मार्केट में इसकी बड़ी ही डिमांड है। मार्केट के अंदर लोग आके अपने इस स्पेसिफिक कैटेगरी को इसके ऐड देते हैं और उसके लिए कोई ढूंढते हैं, कोई बंदा उनके लिए वो काम करे और उस गैप को फिल करते हैं। मैं आपको ये दो काम जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप करके फौरन से 2 से 5 लाख कमाएं और आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाएं। मेरा नाम अदनान हक, मैं बिज़नेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। अक्सर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि अदनान थोड़ा बताओ अपने बारे में। मैं कनाडा से CPA किया हुआ है, मैंने इसके अलावा CA भी किया हुआ है, इसके अलावा मैंने CMA भी किया हुआ है, इसके अलावा मैंने MSc MPhil भी किया हुआ है, मैंने MBA मार्केटिंग भी किया हुआ है और मेरा इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ही सीनियर लेवल पे रहा हूँ, अपना बिज़नेस भी करता हूँ और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपके लिए बना के लाता हूँ। मैं बिज़नेस को उसकी नब्ज़ देख के उसको बता देता हूँ कि ये बिज़नेस कहाँ जाएगा, उसकी स्ट्रेटजी को डेवलप करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपका बिज़नेस अगर मीडियम लेवल पे स्टक हो गया है तो उसको हाई एडवांस लेवल पे कैसे लेके जाना है। अगर वो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है जैसे कि नेस्ले है तो उनको उससे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। लेकिन ये वीडियोज़ अब हमारे ऐसे दोस्त, हमारी ऐसी बहनें, हमारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि घर पे बैठ के ऑनलाइन कुछ अर्न करना चाहते हैं, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं, उतने नॉलेज नहीं, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि वो भी घर पे बैठ के अपना बिज़नेस कुछ ना कुछ शुरू कर लें, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस ही शुरू कर लें या कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करें और बाद में एक लेवल पे जाके वो भी उस कैटेगरी में आ जाएं जहां पे उन्हें अदनान साहब की ज़रूरत हो। तो अभी अदनान साहब की ज़रूरत तो नहीं आपको, लेकिन मेरा मैसेज, मेरा जो आपके लिए जो छोटे छोटे जो टिप्स मैं आपको देता हूँ, इसको पकड़ें और फौरन से उस कैटेगरी में आएँ जहाँ पर आपको अदनान साहब की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा बिज़नेस है, मैं चाहता हूँ आप भी घर पर बैठ के इसको करें और आप अपने पैसे कमाना शुरू करें। आपने देखा होगा कि आजकल वीडियो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, इंटरनेशनली भी इस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लोग वीडियो बना के छोटे छोटे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इवन बहुत सारी कंपनीज़ को अपनी वेबसाइट के लिए वीडियोस चाहिए होती हैं और बहुत सारी कंपनीज़ को अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट भी इवन अपने रेस्टोरेंट की एड देते हैं। और आपने देखा होगा कि उस जो वीडियो होती है उसके स्टार्ट में और उसके एंड में मोस्टली एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर एक, जैसे आपने देखा एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई चैनल की, तो वो एक पूरा इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो जो न्यूज़ एडिटर होता है या जो भी आपका वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आके फिर उसको न्यूज़ को डिलीवर करता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसके लिए भी स्टार्ट में एक इंट्रो और एंड में एक क्लोजिंग होती है। ये स्टार्ट के इंट्रो और क्लोजिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करते हैं और यूज़र को मोटिवेट करते हैं कि वो इस वीडियो को देखे और इसके आगे आगे फिर बढ़े। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, इसमें उस तरह के इंट्रोडक्शन तो नहीं है क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा म्यूज़िक है और एंड में थोड़ा सा मैं डालता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा हो। लेकिन ये जब आप किसी और चैनल्स को देखेंगे और लोगों को देखेंगे तो ये इंट्रो और क्लोजिंग थोड़ा सा बहुत एक्सपेंड हो जाता है। इसी वजह से ये इंट्रो और क्लोजिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर किसी को एक अपनी वीडियो के लिए एक इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड बनवाना होता है और एक क्लोजिंग बनवानी होती है। हर कंपनी जो अपनी वेबसाइट पे देती है डिफरेंट वीडियोस, उसको भी एक इंट्रो चाहिए होता है और एक क्लोजिंग चाहिए होता है। ये ट्रेंड पाकिस्तान में तो इस तरह से है, लेकिन जब यही ट्रेंड अब्रॉड जाता है